नमस्कार। कक्षा 11 अध्याय 8 द्विपद प्रमेय मॉड्यूल 1 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ परिचय, द्विपदों का प्रसार, घात तथा गुणांकों के बीच प्रतिरूप, पास्कल त्रिभुज, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय की आगमन सिद्धांत द्वारा उत्पत्ति, प्रमेय द्वारा द्विपदों का प्रसार। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में a जमा b तथा a घटा b जैसे द्विपदों के वर्ग तथा घन सूत्रों द्वारा ज्ञात किए और इस तरह की समस्याएं जैसे 98 की घात 2 को द्विपद में तोड़कर 100 घटा 2 की घात 2 को a घटा b के वर्ग के सूत्र द्वारा आसानी से हल करना सीखा। अगर आपके पास घात उच्च घात है, जैसे 5 घात है या 6 घात है, ऐसे में क्रमिक गुणनफल द्वारा अधिक जटिल हो जाते हैं प्रश्न, तो इस जटिलता को द्विपद प्रमेय द्वारा दूर किया जा सकता है। इससे हमें a जमा b की घात n के प्रसार की आसान विधि प्राप्त होती है। यहाँ घातांक n एक पूर्णांक या परिमेय संख्या है जो कि कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। इस अध्याय में हम केवल धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय का अध्ययन करेंगे। देखते हैं इन प्रसारों को। a जमा b की घात 0 एक है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक की घात 0 एक होती है। a जमा b की घात 1, a जमा b की घात 2, a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग, इस तरह से आपने ये सब प्रसार पिछली कक्षाओं में सीखे ही हैं। अगर हमें a जमा b की घात 4 करना है तो उसे हम a जमा b की घात 3 और a जमा b के क्रमिक गुणनफल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घातें अधिक हैं तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रतिरूप का अवलोकन करना होगा। तो इन प्रसारों का प्रेक्षण करने पर हम क्या पाते हैं कि पदों की संख्या घातांक से एक अधिक है। जैसे कि घातांक है 1, हमें पद प्राप्त हुए 2, घातांक 2, यहाँ पद हैं कुल 3, घात 3 और पद हैं कुल 4, इस प्रकार घात 4 और पद हैं 5। तो हम कह सकते हैं पदों की संख्या हमेशा घातांक से एक अधिक होती है। दूसरी चीज हम किसका अवलोकन करते हैं कि a की घातें एक के क्रम से घट रही हैं। a अर्थात प्रथम पद, प्रथम पद की घात पहले एक है, घात एक से शुरू होकर, और यहाँ पर a की घात 0 हो गई, यानी घात एक से 0 की तरफ बढ़ी। और इस पद में देखें तो अधिकतम घात 2 से a की घात शुरू हुई, a की घात 1, और यहाँ a की घात 0 अर्थात 1 पर ख़त्म हो गई। इसी प्रकार a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1 और a की घात 0। तो a की घातें अर्थात प्रथम पद की घातें एक के क्रम में घट रही हैं, और दूसरी ओर द्वितीय पद की घातें एक के क्रम में 0 से शुरू होकर बढ़ती हैं। देखिए कैसे, यहाँ b का पद है ही नहीं, अर्थात b की घात 0 है, b की घात 1, b की घात 2। इसी प्रकार यहाँ a की घात, b की घात 0, b की घात 1, b की घात 2 और b की घात 3। तो आप देख रहे हैं द्वितीय पद की घात एक के क्रम में बढ़ रही है। प्रसार के प्रत्येक पद में a जमा b की घातों का योग समान तथा a जमा b की घात के बराबर है। कैसे, आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर घात है 2, तो पूरे पद की घात 2 ही रहेगी। यहाँ दो पदों में ये अगर हम इन दोनों का शामिल करें, घात a की घात 1 और b की घात 2, दोनों मिलाकर के हो गया 2। इसी प्रकार अगर हम इस पद को देखें तो इस पद में a की घात 2 और b की घात 1 है, जो कि बराबर है हमारे द्विपद की घात के। अगर हम इस पद को देखें तो a की घात 3 और b की घात 1 है, कुल घात हुई 4, जो कि बराबर है हमारे द्विपद की घात के। तो आगे देखते हैं, क्या हम घातांकों और गुणांकों के बीच में कोई संबंध देखते हैं। तो घातांक 0 तो गुणांक 1, घातांक 1 तो इन दोनों पदों के गुणांक 1 1, इसे हम इस प्रकार समझ लेते हैं। घातांक 0
एक दो तीन और चार, हमने इन सभी प्रसारों के घातांक लिख लिए हैं। और जब घातांक शून्य है तो हमारे एक ही पद है उसका गुणांक एक, जब घातांक एक है तो दोनों पदों के गुणांक एक एक इस प्रकार लिख लेंगे, और जब घातांक दो है तो हमारे तीन पदों के गुणांक हैं एक दो और एक, जिसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, और जब घातांक तीन है तो हमारे पास चार पद घातांक गुणांक एक तीन तीन और फिर से एक, और जब घातांक चार है तो हमारे इन पदों के गुणांक एक चार छः चार एक, तो इन गुणांकों के बीच में क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हैं? तो देखिए, हम अगर घातांक शून्य के लिए गुणांक देखें, एक से शुरू होकर एक एक सभी गुणांक एक तिरछी पंक्ति में नीचे जा रहे हैं और एक त्रिभुज की संरचना हो रही है, और इस त्रिभुज में आप और क्या नोट करते हैं कि जो द्वितीय हमारा पंक्ति है यानी घातांक एक के लिए, उसके गुणांकों का योग तीसरी पंक्ति के मध्य पद के गुणांक के बराबर है। इसी प्रकार हमें घातांक तीन वाली अर्थात चौथी पंक्ति में अगर हम देखें तो ऊपर वाले दोनों गुणांकों का योग हमें नीचे की पंक्ति के गुणांक देता है तीन, और इस प्रकार से यहाँ पे तीन, ये इन दोनों गुणांकों का योग हमें अगली पंक्ति के लिए चार दे रहा है, इन दोनों गुणांकों का योग अगली पंक्ति के लिए हमें छः गुणांक दे रहा है, और इसी प्रकार इन दोनों गुणांकों का योग हमें चार बता रहा है। इसे आइए अगले चित्र द्वारा समझें। तो जैसे एक जमा एक दो, एक जमा दो तीन, दो जमा एक तीन, एक जमा तीन चार, तीन जमा तीन छः, तीन जमा एक चार, इस तरह से बने इस त्रिभुज को जिसके बीच में आप एक समरूपता देख रहे हैं, तो आप देखिए इसे पास्कल त्रिभुज कहा जाता है। दी गई सारणी को हम रुचि के अनुसार किसी भी घात तक बढ़ा सकते हैं। इस त्रिभुज में तो आपको घात चार तक दे रखा है, आप घात पाँच छः सात और ये त्रिभुज का विस्तार नीचे की ओर होता जाएगा। तो आप देखिए इस त्रिभुज की संरचना में शीर्ष पर एक लिखा है और दो तिरछी भुजाएं नीचे की ओर जा रही हैं। संख्याओं का ये व्यूह फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर पास्कल त्रिभुज के नाम से प्रचलित है। इसे पिंगल के मेरुप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। पिंगल हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। तो आइए हम उच्च घातों के प्रसार में भी पास्कल त्रिभुज क्या संभव है उसे देखते हैं। अगर हमें प्रसार करना है 2x जमा 3y की घात 5 का विस्तार, तो घात 5 के गुणांकों की पंक्ति ये होगी, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुई, अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा घात 4 के लिए पंक्ति थी 1, 4, 6, 4 और 1। यदि हमें घात 4 के लिए पंक्ति पता है तो घात 5 के लिए पंक्ति आरंभ में भी 1, अंत में भी 1 और इन दोनों का योगफल 5, इन दोनों का योगफल 10, इन दोनों का योगफल 10, ये फिर से 5। तो घात 5 में हमारे पास कुल पद होंगे 6 और उनके गुणांक होंगे 1, 5, 10, 10, 5, 1। लेकिन अगर हम इसका प्रसार करना चाहते हैं तो हमें गुणांक तो पता है, लेकिन बाकी के पद कैसे होंगे, जो हमने अभी प्रेक्षण देखे थे कि हमें a की घात यानी a अर्थात 2x की घात बढ़ते क्रम में होगी। तो पहले हम गुणांक लिख लेते हैं पहले पद के लिए, और 2x की घात अधिकतम घात से शुरू करेंगे जो कि है 5, और b की घात शून्य जो 1 होगा उसे नहीं भी लिखें तो चलेगा। अगला गुणांक 5 और पहले पद की घात घटते क्रम में 5 के बाद आएगा 4, और द्वितीय पद बी की घात शून्य थी, यहाँ पे बी की घात बी अर्थात 3y की घात 1 हो जाएगी, और अगला गुणांक 10 2x की घात 4 के बाद 3 घटते क्रम में 3y, इसकी घात बढ़ रही है
तो 3y की घात 2, और अगला गुणांक फिर से हमारे पास 10 है, और 2x की घात 3 के बाद 2, 3y की घात बढ़कर हो गई 3। अगला पद लिखेंगे 10 गुणांक के बाद 2 बार 10 गुणांक आ चुका है, अगला पद 5 गुणांक 2x की घात 2 के बाद 1, 3y घात 3 थी बढ़ रही है 4 हो जाएगी, और अंतिम पद गुणांक 1 2x की घात 0 और 3y की घात 5। और यहाँ ये हमारे घात 5 के लिए 2x जमा 3y की घात 5 के विस्तार में 6 पद प्राप्त हुए, जिसमें आपने देखा पहला पद घात घट रही है और दूसरे पद की घात बढ़ रही है, और इसे आप हल कर सकते हैं। यदि हमें और अधिक घातों का विस्तार करना है, द्विपद की अधिक घातों का, तो क्या हमें इसी प्रकार पिछली पंक्ति को जान करके अगली पंक्ति के गुणांक प्राप्त करने होंगे? तो यदि 2x जमा 3y की हमें उच्च घात का विस्तार करना है, तो क्या हमें 12 घात के लिए उससे पूर्व की पास्कल त्रिभुज की सभी 11 पंक्तियों के गुणांकों को लिखना होगा? अगर 11वीं पंक्ति के गुणांक लिखने हैं तो 10वीं पंक्ति के गुणांक चाहिए, 10वीं पंक्ति के गुणांक लिखने हैं तो 9वीं पंक्ति के गुणांक चाहिए, तो हमें पूरा त्रिभुज लिखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही जटिल तथा लंबी विधि है। तो ऐसे में एक ऐसा नियम ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे पास्कल त्रिभुज की ऐच्छिक पंक्ति को उससे पूर्व की सभी पंक्तियों को लिखे बिना ही हम द्विपद के किसी भी घात का विस्तार ज्ञात कर सकें। देखिए कैसे, संचय सूत्र आपको ज्ञात ही है, n क्रम गुणित बटा r क्रम गुणित गुना n घटा r क्रम गुणित, जो कि ncr के बराबर है, जहां r का मान 0 तथा n के बीच में है, जहां n एक ऋणेतर पूर्णांक है, और nc 0 और ncn दोनों का ही मान 1 होता है। इनका उपयोग करते हुए हम घातों और गुणांकों को कैसे संचय सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं? तो घात यदि 0 है तो n की जगह पर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 0c 0। और अगला हमारा होगा, घात अगर 1 है तो 1c 0, दूसरा पद 1c 1। यहाँ पर 1 जो है वो द्विपद की घात को बताता है, और नीचे हम इसी क्रम में चलेंगे 0 से लेकर आगे तक। घात 2 है तो हमारे गुणांक होंगे 2c 0, 2c 1 और 2c 2। 3 घात है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा n की जगह पर, और c 0, 3c 1, 3c 2, 3c 3। तो अधिकतम घात पर जब ये ncn की स्थिति में आ जाए वहाँ रुक जाएंगे। और घात 4 के लिए, घात 4 c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3 और 4c 4। इसी प्रकार हम इनके गुणांकों को लिख सकते हैं। आप जानते हैं 0c 0 1 होता है, 1c 0 भी 1 होगा, और 1c 1 भी 1 होगा, जैसा कि हम जानते ही हैं कि द्वितीय पंक्ति में हमें गुणांक 1 और 1 मिलता है। और यहाँ गुणांक 1, इसका मान 2 और इसका मान 1। इसी प्रकार c 3c 0 का मान 1, इसका मान 3, इसका मान भी 3 और इसका मान 1। तो आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह त्रिभुज की ये वाली भुजा के अनुसार जो पंक्ति आ रही है उनमें सबका पहले पद का गुणांक 1 है, इसी तरह अंतिम पद का गुणांक भी हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमें
जब घात दो है तो गुणांक एक दो एक प्राप्त हुआ, घात तीन है तो हमें गुणांक एक तीन तीन एक प्राप्त हुआ, घात चार है तो गुणांक हमें एक चार छः चार और एक प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप संचय सूत्र के प्रयोग से पास्कल त्रिभुज की किसी भी उच्च घात की पंक्ति को बिना पूर्व की पंक्तियां प्राप्त किए ज्ञात कर सकते हैं। तो घात सात के लिए अगर हमें पंक्ति लिखनी है तो हम संचय सूत्र की सहायता से पास्कल त्रिभुज की ये पंक्ति लिख सकते हैं बिना पूर्व की सभी पंक्तियों को लिखे। कैसे? घात सात है तो सात सी शून्य से शुरू करेंगे पहला गुणांक, दूसरे पद का गुणांक सात सी एक, सात सी दो, सात सी तीन, सात सी चार, सात सी पाँच और सात सी छः और अंतिम पद सात सी सात। और जैसा कि आप जानते ही हैं यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो एन सी शून्य वो एक होता है, इसी प्रकार से एन सी एन कोई भी पूर्णांक हो उसका मान एक होता है और आप बिना पूर्व की पंक्तियाँ लिखे इस पंक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए और आगमन सिद्धांत द्वारा जो कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा ही है। आगमन सिद्धांत में जिस भी कथन को हमें सत्य सिद्ध करना होता है उसको कथन को हम पी एन के रूप में मान लेते हैं और उसके दाएं तथा बाएं पक्ष को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले n को एक रख लेते हैं। तो n को एक रखने का अर्थ है हमें पी एक ज्ञात करना है, यानी दाएं पक्ष की बात करें बाएं पक्ष की तो ये होगा ए जमा बी की घात एक और दाएं पक्ष में क्योंकि हम घात एक की बात कर रहे हैं तो केवल इसमें यही लिखा जाएगा एन सी शून्य एक होता है ए की घात एन अर्थात ए ही आएगा और दूसरा पद हम यहीं तक बस करेंगे क्योंकि एन एक है हमारा। एन एक में हमें दो पद प्राप्त होते हैं आप जानते ही हैं और एन सी वन का अर्थ भी एक ही है और एक ही घात एन घटा एन एन अर्थात एक एक घटा एक शून्य तो एक ही घात शून्य जो है वो वन हो जाएगी और बी की घात एक ये भी और कुछ नहीं ए जमा बी ही है। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर हो गया कथन का मान एक रखने पर। अब अगला कदम क्या होता है? हम पी एन के स्थान पर के का मान मान लेते हैं कि सत्य है, उस में हम ए जमा बी की घात के और यहाँ उपस्थित सभी पदों में जहाँ जहाँ भी ए है उसे के से बदल देते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे के सी शून्य ए की घात के जमा के सी एक, ए की घात के घटा एक बी जमा के सी की सी दो, ए की घात के घटा दो बी की घात दो के सी की घात तीन, ए की घात के घटा तीन और बी की घात तीन, इसी प्रकार एन सी के और बी की घात के। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कथन के लिए सत्य है और हमें ये मानने के बाद ये सिद्ध करना होता है कि के प्लस एक भी सत्य होगा और इसे सत्य सिद्ध करने के लिए हम इस कथन को दो भागों में बांट लेते हैं क्योंकि ये हो गया ए जमा बी की घात के जमा एक जिसे हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए जमा बी की घात के गुणा ए जमा बी। अब हम इसे ए जमा बी की घात के को उपरोक्त कथन से प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ इसकी जगह पर और उसे ए जमा बी से गुणा करके एक व्यंजक प्राप्त होगा जिसमें सभी पदों को व्यवस्थित करने पर आप इच्छित उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। ये कार्य हम आपके लिए छोड़ते हैं। तो हम
द्विपद प्रमेय का अन्य द्विपदों के प्रसार के लिए किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, x जमा 2 की घात 6 का हमें प्रसार करना है, जिसमें हम पहला पद जिसको हम a लिखते हैं, दूसरा पद जिसको हम b मानते हैं, और हम शुरू करते हैं गुणांक 6c0 से। 6 क्योंकि घात 6 है, पहला पद a की जगह पे x, x की घात 6 से ही शुरू करेंगे, और 2 की घात 0 से, क्योंकि द्वितीय पद हमारा 0 से शुरू होता है। अगला पद आएगा 6c1, एक्स की घात घटते क्रम में, 6 के बाद 5, इसी तरह 2 की घात 1, 6c2, एक्स की घात 4, 2 की घात 2, 6c3, एक्स की घात 3, 2 की घात 3, 6c4, एक्स की घात 2 और 2 की घात 4, 6c5, एक्स की घात 1, 2 की घात 5, 6c6 और एक्स की घात 0 और 2 की घात 6। तो आप एक चीज और देखिए कि जैसा हमने कहा था प्रेक्षणों में, तीसरे प्रेक्षण में, कि दोनों पदों की घातों का योग हमेशा उतना ही रहेगा जितनी द्विपद की घात है। 6 जमा 1 0, 6 ही रहेगा। इसी प्रकार 5 जमा 1 6, 4 जमा 2 दोनों पदों की घात मिलाकर के 6 के बराबर, 3 जमा 3 दोनों पदों की घात 6। इस तरह से आप अपने आप को देख सकते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्या सभी दोनों पदों की घात का योग हमारी अधिकतम घात जो दे रखी है उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 6c0 मान है 1, एक्स की घात 6, 2 की घात 0 एक ही रहेगा, और 6c1 का मान होगा 6 और 2, 6 दुनी 12, एक्स की घात 5, और 6c2 का मान है हमारे पास 15 और 2 की घात 2 है 4, 15 गुना 4 60, एक्स की घात 4। और अगला हमारे पास है 6c3, जिसका मान है 20 और 2 की घात 3 हो गया 8, 20 गुना 8 160, एक्स की घात 3। हमारा अगला गुणांक 6c4 होगा 15, 2 की घात 4 हुआ 16, 15 गुना 16 240, एक्स की घात 2, घटते क्रम में 3 के बाद 2 आएगी। और 6c5, इसका गुणांक है 6 और 2 की घात है 5, 2 की घात 5 अर्थात 32, 32 गुना 6 192, एक्स। और 6c6 एक, और 1 और 2 की घात 6 है 64 यानी 64, एक, एक्स की घात 0 भी एक ही होगी, तो हम इसे सीधा 64 लिख सकते हैं जमा 64। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रसार का, द्विपद का प्रसार किसी भी घात के लिए कर सकते हैं, जो हमारे कार्य को आसान बना देता है। तो अब देखते हैं द्विपद प्रमेय को हम एक सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे। तो एन सी शून्य ए की घात एन, एन अर्थात जो घात हमारी द्विपद की दे रखी है, ए की घात एन से शुरू करेंगे और बी घात शून्य से। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर आर का मान होगा वही बी की घात होगी। आर का मान शून्य है तो बी की घात शून्य, आर का मान एक है तो बी की घात एक, आर का मान यहाँ पे आर तो बी की घात आर, इस प्रकार यहाँ एन तो बी की घात एन, और यहाँ हमारे पास b की घात 0 बराबर 1 या a की घात n घटा n भी 1 ही होगा, जिससे हम संकेत के रूप में, एक छोटे संकेत के रूप में लिख सकते हैं। ये है समेशन का साइन है, जहाँ पे k बराबर 0 से लेकर n तक हम k के मान ले सकते हैं, k या r जो भी हम कहें, n c k
जहां a का मान n में से k घटाकर आएगा और b की घात k के बराबर आएगी। तो इस तरह हम इसे एक सामान्य संकेतन में छोटे रूप में, अगर हम इतने बड़े विस्तृत रूप में नहीं याद कर सकते तो हम द्विपद प्रमेय को लिख सकते हैं। और द्विपद प्रमेय में आने वाले गुणांक एन सी आर को हम द्विपद गुणांक कहते हैं। ए जमा बी की घात एन के प्रसार में पदों की संख्या एन जमा एक है, जैसा कि पहले बताया था, जितने भी घातांक हैं जमा एक कुल पदों की संख्या, यानी घातांक से एक अधिक है। तो चलिए बढ़ते हैं सारांश की ओर। प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में ए की घातें एक के क्रम से घट रही हैं और दूसरी ओर बी की घातें एक के क्रम से बढ़ रही हैं। पहले पद में शून्य से शुरू होकर और दूसरे पद में एक और इसी प्रकार बढ़ते हुए अंतिम पद में एन पर समाप्त होती हैं। ए जमा बी की घात एन के प्रसार में ए तथा बी की घातों का योग पहले पद में एन जमा शून्य बराबर एन और दूसरे पद में एन घटा एक जमा एक अर्थात एन और इसी प्रकार अंतिम पद में शून्य जमा एन बराबर एन होता है। अतः ये देखा जा सकता है कि प्रसार के प्रत्येक पद में ए तथा बी की घातों का योग एन है, अर्थात द्विपद की कुल घात। तो चलिए बढ़ते हैं सारांश की ओर। आज हमने मॉड्यूल में किया द्विपदों का प्रसार, पास्कल त्रिभुज की संरचना, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय तथा उसकी उत्पत्ति, प्रमेय द्वारा द्विपदों का प्रसार। आशा करते हैं आज का आपको मॉड्यूल पसंद आया होगा। धन्यवाद।